और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये आप कह सकते हैं कि खास तौर पर अफगानिस्तान या काबुल का सबसे ऊंचाई पर होने वाला उनका फ्लैग है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस फ्लैग की जो बुलंदी है ये दर्शाती है कि अभी भी अफगान की फोर्सेस या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस या उनका जो जज्बा है वो अभी भी कितना ज़्यादा ऊंचाई पर है। और यही वजह है कि आज भी अफगान जब 20 साल के बाद तालिबान दोबारा से अपने आप को बढ़ा रहा है, ताकतवर हो गया है, तब भी अफगान का झंडा अफगानी लोग अपनी इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। इस समय हम उस इलाके में हैं जिसको अफगान का हिल एरिया कहा जाता है। हालांकि ये किसी राजा के महल पर ये बनाया गया था, हिल उसी के नाम पर ये चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप काबुल सिटी को पूरा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जगह पूरी तरीके से पर्याप्त है या बहुत फेवरेबल है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा काबुल सिटी का वो इलाका जिसको हम इसका ग्रीन जोन या मेन इलाका भी कहते हैं, यानी जो मेन है उसके बाद एक्सटेंडेड ग्रीन जोन, और उसके बाद जो आप हिल एरिया देख रहे हैं वो ओल्ड सिटी एरिया है। यानी काबुल जो है 3 लेयर में बांटी गई है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसी तरीके से रखा जाता है। खास बात यह कि हमारे लिए ये खास इसलिए था क्योंकि आज जब हम यहाँ काबुल में आए हैं तो यहाँ पर आपको काबुल में अफगानिस्तान के झंडे या फिर पूरे अफगानिस्तान में कोशिश की जाए कि आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यही नेशनल फ्लैग दिखाई दे। और ये इस प्राइड का, इस गर्व का महसूस कराता है कि किस तरीके से अफगान के लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से कई दशकों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और यहाँ से आगे भी मजबूती से बढ़ रहे हैं। ये जानकारी, ये समझदारी या फिर ये एहसास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान में जब हम पहुँचे तो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहन दिया या फिर एक बताया, वो था इसी झंडे के नीचे खड़ी अफगान फोर्सेस और यहाँ के लोग जो इस लड़ाई को बहुत मशक्क़त के साथ लड़ रहे हैं। और कोशिश है इन लोगों की कि किसी भी तरीके से अफगान की लोकतंत्र या फिर उनकी जो डेमोक्रेसी या फिर उनका जो उन्होंने जिस तरीके का अपना सिस्टम डेवलप किया है उसे किसी तरीके से कोई भी फोर्स या कोई भी आतंकी समूह हार्म ना कर सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, काबुल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।